संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना ताम मा देवा व्यदध पुरुत्रा दूरिस्थात्रां भूय विशयंती। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। उज्जैनी एक शाश्वत नगरी, महाकाल और उनकी चिर संगनी मंगल चंडी की नगरी। कभी अवंतिका, पद्मावती, भोगवती, हिरण्यवती, कनकश्रृंगा उज्जैनी, तो कभी अमरावती, कुशस्थली, कुमुदवती, प्रतिकल्पा, विशाला और शिवपुरी, अनेक नामों से इसे पुकारा गया। कहते हैं ब्रह्मा ने हाथ में कुश लेकर सृष्टि की रचना उज्जैन से शुरू की थी, इसलिए इसे कुशस्थली नाम मिला। ये नगरी प्रत्येक कल्पों में सबका अवन यानी रक्षण करती है, इसलिए इसे अवंती कहा गया। इसी धरा पर देवताओं ने उनके प्रबल शत्रु त्रिपुर को उज्जित यानी पराजित किया, इसलिए ये उज्जैनी कहलाई। यहाँ लक्ष्मी निश्चल रूप से निवास करती है, इसलिए इसे पद्मावती कहा गया। सदैव कुमुद से पुष्पित रहने के कारण ये कुमुदनी बनी। अमर देवताओं की निवास स्थली होने के कारण अमरावती हुई। यहाँ देवी सती की कुहनी कटकर गिरी थी, इसलिए इसका नाम पीकस्थान पड़ा। 9 कोस चौड़ाई और 13 कोस लंबाई के कारण इसे नवतेरी नगर नाम भी मिला। रामायण में इसका जिक्र अवंती नाम से है, तो महाभारत में कोटि तीर्थ नाम से। उज्जैन तो बहुत प्राचीन पौराणिक नगरी है। कहते हैं कि भारत की जो 7 मोक्षपुरियाँ हैं, सांस्कृतिक राजधानियाँ हैं, उनमें से एक उज्जैन है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तेता, मोक्षदायिका, तो इनमें 7 नगरियाँ हैं। उनमें ये भी है, ये पुराण वाक्य है। और यहाँ के जो महाकाल है, ज्योतिर्लिंग महाकाल, उनकी चर्चा पुराणों में पर्याप्त है। श्री कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए थे, ये कथाएं भी प्राप्त होती है। तो पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं। तो उज्जैन तो प्राचीन है, प्रसिद्ध है। उसके बहुत सारे नाम थे, पहले अवंती कहलाता था, बाद में उज्जैन कहलाने लगा। उसकी कथाएं भी हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 जनपद थे, उनमें एक अवंती भी था। इसकी सीमा वर्तमान मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों तक विस्तृत थी। अवंती जनपद 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की महिष्मती। सबसे पहले अवंती पर राजा प्रद्योत का शासन होने की जानकारी मिलती है। उज्जैन पर मौर्य, क्षत्रप, सातवाहन, रुद्रदामन, गुप्त, हर्ष, परमार, तोमर राजपूत और मुगल वंश के राजाओं ने राज्य किया। क्षत्रप वंश के राजा चष्टन के राज्यकाल में ये एक प्रसिद्ध व्यापार केंद्र बना। दक्षिण से दोआब को जाने वाला मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। यहाँ से सार्थवाह, भड़ोच और सोपारा के बंदरगाह को सुलेमानी पत्थर, मलमल, मणिया और रेशमी वस्त्र बाहर भेजे जाते थे। जहाँ पर भी पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं, जहाँ पर भी पुरातात्विक सर्वेक्षण हुए हैं, उन तमाम स्थानों पर जो प्राचीन मुद्राएं मिली है, उन सब पर उज्जैनी का ट्रेड मार्क मिलता है। जब व्यापार हमारा रोम से होता था, तो रोम में जब उत्खनन का कार्य किया गया, तो उज्जैन का सिंबल हमें प्राप्त हुआ। उज्जैनी का उत्खनन
हम लोगों ने किया, मेरे विश्वविद्यालय ने किया। जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था तब देखा कि वहां पर रोम के सिंबल मिले हैं, रोम की सील मिली है। इतनी बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से, रोम के देशों से हमारा व्यापार होता था और ये व्यापार 6th century BC से लेकर विक्रमादित्य के काल में निरंतर चलता। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने उज्जैन शहर को अपने राज्य की राजधानी बनाया और विक्रम संवत की शुरुआत की। वराहमिहिर ने उज्जैन को ही शून्य रेखा मानकर ज्योतिष की गणना की। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने शुद्ध काल गणना के लिए वेधशाला का निर्माण करवाया। भर्तृहरि ने उज्जैन में क्षिप्रा किनारे शतक त्रय की रचना की। कालिदास ने शकुंतला और मेघदूत और बाण भट्ट ने कादंबरी की रचना उज्जैन में ही की। कौटिल्य जब अर्थशास्त्र लिखता है तो वो उज्जैन की चर्चा करता है। भास जब अपने नाटक लिखता है तो उज्जैन से आधारित 3 नाटक उसने लिखे। ये विक्रमादित्य से पहले का है। अशोक इसी उज्जैन का राज्यपाल था, बाद में सम्राट बना। ये भी कथाओं में आता है और उसके शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने अपना एक राज्यपाल, अपने एक पुत्र को यहाँ पर राज्यपाल बनाया था। उसके बाद में विक्रमादित्य प्रसिद्ध नाम आता है और विक्रमादित्य के समय उज्जैन की प्रसिद्धि चरम पर पहुँच गई, क्योंकि उस समय विक्रमादित्य का सुशासन जो था वो एक प्रकार को उसका आदर्श राम था, राम राज्य। तो उस राम राज्य के आदर्श पर उसने अपना राज्य स्थापित किया और उसके राज्य की जो हर पक्ष है, शासन का जो हर पक्ष है, उस पक्ष को के ऊपर उसने ध्यान दिया और इतना ध्यान दिया कि आम जनता में इतना लोकप्रिय हो गया वह कि आम जनता में उसकी कहानियाँ प्रचलित उसके समय से ही चालू हो गई। उज्जैन की पौराणिकता कई ग्रंथों से साबित होती है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि सुग्रीव के दूत सीता की तलाश में अवंती पहुंचे थे। महाभारत और उद्योग पर्व के अनुसार उज्जैन के राजा विंद और अनविंद ने कौरवों की ओर से लड़ते हुए सहदेव का सामना किया था। द्रोण पर्व के मुताबिक कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने विंद और अनविंद का वध किया था। वन पर्व में लिखा है कि कोटि तीर्थ यानी उज्जैन का स्पर्श अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत कथा और यजुर्वेद में इस पवित्र तीर्थ और क्षिप्रा नदी का जिक्र मिलता है। ब्रह्म पुराण में अवंती को पृथ्वी की श्रेष्ठतम नगरी माना गया है। अग्नि पुराण ने इसे पापनाशिका और गरुड़ पुराण ने मोक्ष प्रदा बताया है। शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों के प्रसंग में महाकालेश्वर की स्तुति की गई है, जिसके दर्शन करने से स्वप्न में भी कष्ट नहीं होता। लिंग पुराण ने सृष्टि का आरंभ स्थल उज्जैन को माना है। स्कंद पुराण में उज्जैन को अति महत्वपूर्ण मानते हुए इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें जिक्र है कि उज्जैन कलयुग के प्रभाव से अछूता रहता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव और अंधक का युद्ध महाकाल वन में हुआ था। विष्णु पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम ने उज्जैन में क्षिप्रा किनारे महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त की। गुरु दक्षिणा के रूप में श्री कृष्ण ने गुरु के मृत पुत्र को जीवित कर दिया था और उनका वंश उज्जैन में आज भी विद्यमान है। पाली ग्रंथों में उज्जैन को अवंती की राजधानी बताया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभ देव जी के कहने पर इंद्र ने भारतवर्ष में 52 प्रदेशों की स्थापना की। उज्जैन उनमें से एक था।
जैन ग्रंथों में ये भी माना गया है कि रक्षाबंधन पर्व और अहिंसा धर्म की शुरुआत उज्जैन भूमि से हुई। वर्तमान उज्जैन प्राचीन महाकाल वन पर स्थित है। प्राचीन नगर आज के उज्जैन से 1 मील दक्षिण में बसा हुआ है। इसे लोग गढ़ कहते हैं। यहाँ खुदाई करने पर प्राचीन बर्तन और सिक्के मिले। उज्जैन में जो प्राचीन टीले हैं, पुराना उज्जैन है, ऐसा कहते हैं क्षिप्रा नदी उज्जैन के तीन ओर थी और बीच में नगर बसा होता। और नगर के प्राचीन समय में ये प्रथा थी कि जब पानी के साधन होते थे वहाँ लोग बसते थे। वैसे ही उज्जैन है तो पानी के किनारे यानी नदी किनारे लोग बसे हैं। आज भी वहाँ देखेंगे कि हजारों टीले हैं, वो हजारों टीलों में खुदाई भी हुई है, प्राचीन समय के एविडेंस मिले हैं, विक्रमादित्य के समकालीन भी मिले हैं, जिसको हम द्वितीय शताब्दी, प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व कहेंगे। उज्जैन में स्थित वैश्य टोकरी का संबंध बौद्ध भिक्षुओं से है। यहाँ स्तूपों के भग्नावशेष मिले हैं। कुम्हार टेकरी का निर्माण मालवा के सुल्तानों ने करवाया था। यहाँ मिले कुम्हारों के बने हुए मिट्टी के बर्तनों के कारण ये कुम्हार टीला कहलाया। उज्जैन की ओर जाने के रास्ते पर एक विशाल दरवाजा आता है, जिसे 24 खंभी दरवाजा कहते हैं। इसमें 24 खंभे लगे हैं। इसे विक्रमादित्य के प्रासाद का द्वार भी कहते हैं। कुछ लोग इसे भोज के महल का दरवाजा भी मानते हैं। के महाकाल क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसे महाकाल वन भी कहलाते थे। तो इसके कई द्वार बने थे। आज हम उज्जैन में जो महाकाल के निकट ही एक 24 खंभा मंदिर है, जिसे हम वो देवी का मंदिर भी कहते हैं, और जो कि उसके बनावट और शैली है 8वीं-9वीं शताब्दी के, विशाल पत्थरों से बना हुआ है, पिलर्स ज्यादा हैं और वो उसका मेन एंट्रेंस था। कहा जाता है कि उज्जैनी के रक्षण के लिए 64 योगिनियों का पहरा रहता है। इन्हीं में से एक हर सिद्धि देवी हैं, जिनका मंदिर प्रसिद्ध रुद्रसागर के तट पर स्थित है। देवभूमि द्वारका में, जो कि समुद्र के किनारे है, वहाँ पर एक कोयला डूंगर नामक एक स्थान है। वहाँ माँ हरसिद्धि का मंदिर है। वो माँ हरसिद्धि जो सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। ऐसा कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य वहाँ पर जाकर के तपस्या की उन्होंने, और उन्होंने माता से प्रार्थना की कि आप मेरे साथ उज्जैन चलो, आप वहाँ मेरे यहाँ स्थापित। माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त के साथ मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो शर्त क्या थी कि दिन में मैं काला डूंगर में रहूँगी, जो उनका मंदिर था वहाँ, और रात्रि के समय मैं उज्जैन में रहूँगी। तो आज भी हर सिद्धि में रात्रि की आरती महत्वपूर्ण आरती होती है, और कोयला डूंगर में प्रातःकाल की आरती होती है। रुद्र सागर के मध्य में एक टीला है, जिस पर विक्रमादित्य का सिंहासन था। अंकपात वो स्थान है जहां सांदीपनि ऋषि का आश्रम था। कलियादेह महल में पहले ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और सूर्य नारायण का मंदिर था। खिलजी वंश के शासक ने सूर्य नारायण के मंदिर को तोड़वा कर विलास मंदिर बनवाया। भर्तृहरि की गुफा शिप्रा के किनारे 1 मील पर स्थित है। भर्तृहरि पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा थी। राजा से सन्यासी बने भर्तृहरि ने इन्हीं गुफाओं से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। शिप्रा के तट पर ही 125 वर्ष पुराना सिद्धवट भी है। उज्जैन कई महान लोगों की कर्म भूमि रही है। श्री कृष्ण के गुरु सांदीपन ऋषि, पैशाची भाषा में लिखी गई बृहत कथा के रचयिता, गुणाढ्य राजा, लेखक और योगी भर्तृहरि, प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ व्याडी, कवि भर्तृमेंड, भर्तृहरि के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, उज्जैन से स्वामी जदरूप का नाम भी जुड़ा है, जो मुगलों के दौर में उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करते थे। जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी भी लिखी है। असीरगढ़ का किला फतह करने के बाद बादशाह अकबर उनके दर्शन के लिए गया था। जहांगीर ने भी उनके सानिध्य में कुछ दिन बिताए और उपदेश प्राप्त किया।
जहांगीर के आदेश पर अजमेर में स्वामी जदरूप का एक चित्र बनाया गया जो मुगल कालीन कला की एक बेजोड़ कृति है। उज्जैन के राजा प्रद्योत ने अपने मांस का टुकड़ा काटकर देवी को चढ़ाया था, इसलिए देवी ने उन्हें चंड प्रद्योत नाम दे दिया। प्रद्योत की अत्यंत रूपवान पुत्री वसव दत्ता का विवाह पांडव वंश के महाराज उदयन से हुआ था। इस अद्भुत उज्जैन नगरी के राजा महाकाल हैं। वैकुंठ चतुर्दशी हर और हरि की भेंट का दिन होता है। महाकाल तुलसी अर्पित करने गोपाल मंदिर जाते हैं और गोपाल कृष्ण बेलपत्र अर्पित करने महाकाल के मंदिर जाते हैं। एक ऐसी पवित्र नगरी है उज्जैनी, जहां हर 12वें वर्ष सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत सन 1732 ईस्वी में हुई। सन 1730-31 ईस्वी में मालवा प्रांत पर मराठों का आधिपत्य हुआ। तब सिंधिया राजवंश की राजधानी उज्जैन के महाराजा राणोजी शिंदे की आज्ञा से सन 1732 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया गया। कुंभ मेला दो शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है। मेला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। कुंभ मेले में स्नान करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं, जिनमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत लगभग एक महीने तक उज्जैन में रहकर साधना और तप करते हैं। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हैं। सिंहस्थ के समय उज्जैन नगरी का अद्भुत नजारा होता है। लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर तरफ भक्ति और ज्ञान की गंगा बहती दिखाई देती है। सिंहस्थ मेले में महाकाल की ये शाश्वत नगरी बाहें खोलकर उन श्रद्धालुओं का स्वागत करती है जो मोक्ष की कामना लिए अमृत स्नान करने सिंहस्थ महाकुंभ में शामिल होते हैं। यूं तो सिंहस्थ के आयोजन की शुरुआत 1732 की मानी जाती है, पर कहते हैं कि सिंहस्थ की परिकल्पना राजा विक्रमादित्य द्वारा ही की गई थी। अभूतपूर्व राजा विक्रमादित्य की इस पवित्र उज्जैनी को शत शत प्रणाम। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।